दोस्तों, आज से करीब 7 साल पहले 24 जून 2017 को राजस्थान के मालासर में राजस्थान के ही सबसे बड़े गैंगस्टर और माफिया आनंदपाल सिंह का एनकाउंटर किया गया था। इस एनकाउंटर को कई महीने या फिर कई सालों की प्लानिंग के बाद अंजाम दिया गया था, लेकिन अब इस एनकाउंटर के 7 सालों के बाद यह फाइल एक बार फिर खुला है, क्योंकि आनंदपाल सिंह की पत्नी राजकंवर ने इस पूरे एनकाउंटर को एक टारगेट किलिंग बताते हुए कोर्ट में केस फाइल कर दी थी। इस घटना के 7 सालों के बाद अब कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए तत्कालीन चुरू एसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि इस एनकाउंटर के बाद इसमें शामिल पुलिसकर्मियों को अच्छा खासा प्रमोशन भी मिला था। आखिर क्या हुआ था 24 जून 2017 की उस रात को और कैसे मारा गया था गैंगस्टर आनंदपाल सिंह, और अब किस तरह से वो सभी बातें झूठी साबित हो रही है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में सब कुछ पूरे विस्तार से। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं bejodjora.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, सबसे पहले हम मोटा मोटी तौर पर पुलिस की भाषा में आपको यह बता देते हैं कि 24 जून 2017 की उस रात को एनकाउंटर के समय क्या कुछ हुआ था। सिरसा में पकड़े गए आनंदपाल सिंह के भाई विक्की और उसके साथी गट्टू से पुलिस को जानकारी मिली थी कि आनंदपाल सिंह चुरू के मालासर के खेत में बने श्रवण सिंह के एक मकान में रह रहा है। यह पता लगते ही करीब 150 पुलिस कमांडो के साथ चुरू पहुंची। पुलिस ने मालासर गांव को पूरी तरह से घेर लिया। खुद को घिरता देख आनंदपाल ने औरतों को आगे करके हो हल्ला मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद आनंदपाल सिंह ने मकान के पिछले दरवाजे की तरफ जाकर AK-47 से गोलियां बरसानी शुरू कर दी। पुलिस के पास पहले से ही जानकारी थी कि उसके पास करीब 400 राउंड गोलियां है। आनंदपाल ने करीब 100 राउंड गोलियां चलाई और खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन छत से पुलिस मकान में घुस गई और पीछे से आनंदपाल सिंह पर 6 गोलियां दाग दी। वहीं घटना में घायल हुए जवान सोहन सिंह का ब्यौरा थोड़ा अलग है। सोहन सिंह के मुताबिक आनंदपाल घर की छत से गोलियां चला रहा था। इसी दौरान कवर लेकर सोहन सिंह, कैलाश चंद्र, एसपी राहुल बरेठ और इंस्पेक्टर सूर्यवीर सिंह राठौर घर में घुस गए। यहां पर मौजूद घर की औरतों ने पुलिस का विरोध किया, जिसके बाद औरतों को धकेल कर एक कमरे में बंद कर दिया गया। फिर घर के भीतर से एक शीशा लाकर सीढ़ियों के घुमाव पर रखा गया। इससे आनंदपाल की लोकेशन पकड़ने में आसानी हो गई, जिसके बाद फायरिंग के दौरान सोहन सिंह के कमर के दाएं हिस्से में गोली लग गई। उन्होंने 8 सेकंड में कुल 30 फायर किए और उसी में से पहली गोली आनंदपाल सिंह के सिर में लगी। इसके बाद वह बेसुध होकर गिर गए। उसके शरीर में 6 गोली लगी हुई थी। आनंदपाल सिंह सीढ़ियों के पास अपने हथियार सहित गिर गया। सामने से फायर आने बंद हो गए और एएसपी करण शर्मा और एसपी राहुल बरेठ ने नब्ज चेक किया। तब तक आनंदपाल सिंह की मौत हो चुकी थी। ये तो हो गई एनकाउंटर की 2 कहानी, लेकिन अब कहानी इसके बाद की, जब आनंदपाल की पत्नी राजकंवर ने कोर्ट में फेक एनकाउंटर की केस फाइल की। इस मामले में आनंदपाल सिंह की पत्नी राजकंवर की तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे वकील त्रिभुवन सिंह ने बताया कि पुलिस और सीबीआई ने उन्हें 1.5 सालों तक घटनास्थल का नक्शा मौका ही नहीं दिया था। इसके बाद उन्होंने कोर्ट के मार्फत ऑर्डर करवाकर नक्शा मौका हासिल किया था। इसके बाद कोर्ट में इन तथ्यों और दलीलों को पेश किया गया। इस मामले में बचाव पक्ष का पहला सवाल यह था कि सीओ विद्या प्रकाश की ग्लॉक पिस्टल की गोली का खोखा छत पर कैसे पहुंचा। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक ग्लॉक पिस्टल से चली गोली का खाली खोखा फायर करने वाले के पास ही गिरता है, लेकिन पुलिस अधिकारियों के बयान के अनुसार विद्या प्रकाश घटना के दौरान छत पर नहीं थे। ऐसे में उनका खोखा छत पर कैसे पहुंचा? सवाल नंबर 2, पुलिस कर्मियों के फायरिंग के खाली खोखे छत पर कैसे मिला? पुलिस ने अपने बयान में कहीं पर भी यह नहीं बताया कि एनकाउंटर के दौरान कोई भी पुलिसकर्मी छत पर गया था। ऐसे में छत पर मिले गोलियों के खाली खोखे इस बात का सबूत है कि आनंदपाल की मौत से पहले ही पुलिस वाले छत पर मौजूद थे। सवाल नंबर 3, कांस्टेबल सोहन सिंह लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। सीबीआई जांच में सोहन सिंह ने कहा था कि उसने आनंदपाल के बर्स्ट फायर के जवाब में उस पर फायरिंग की थी, लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदलते हुए कहा कि आनंदपाल की गोली दीवार से टकराकर उसकी पीठ में लगी थी।
अब सवाल नंबर 4 आनंदपाल सिंह के शरीर पर मिले गोलियों के निशान को लेकर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक आनंदपाल सिंह के शरीर पर गोलियों के कई निशान टैटू की तरह थे, यानी कि गोली आसपास ही लगी थी। विशेषज्ञों के मुताबिक इस तरह के निशान शरीर के पास से चलाई गई गोलियों से ही बनते हैं, जबकि पुलिस का कहना यह था कि गोली दूर से मारी गई है। और अब आखिर में सबसे अहम सवाल नंबर 5। आनंद पाल सिंह के भाई रुपेंद्र पाल सिंह ने बताया कि उसे पुलिस वाले बोलेरो कैंपर में बैठाकर आनंद पाल के पास ले गए थे और उससे सरेंडर करवाने को कहा था। उसने बताया कि विद्या प्रकाश ने आवाज लगाते हुए कहा कि अब आनंद पाल सरेंडर कर दे, तेरा भाई हमारे साथ है। रुपेंद्र पाल ने आगे बताया कि इसके बाद रुपेंद्र पाल ने भी यही आवाज लगाई और कहा कि विद्या प्रकाश ने वादा किया है कि आपको कुछ नहीं होगा, आप सरेंडर कर दो। इसके बाद विद्या प्रकाश और बाकी पुलिस वाले रुपेंद्र पाल को लेकर ऊपर छत पर आनंद पाल सिंह के पास पहुंचे, जहां आनंद पाल ने दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दिया था। यानी रुपेंद्र पाल के मुताबिक आनंद पाल ने सरेंडर कर दिया था, लेकिन पुलिस वालों ने उसे गोलियों से भून डाला। इन सभी सवालों के बाद कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को खारिज करते हुए तत्कालीन चुरू एसपी राहुल बारठ, तत्कालीन कोचामन सीओ विद्या प्रकाश, तत्कालीन एसओजी श्रीवीर सिंह राठौर, तत्कालीन हेड कांस्टेबल कैलाश चंद्र, कांस्टेबल सोहन सिंह, धर्मपाल और धर्मवीर के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि आनंदपाल सिंह भले ही इनामी बदमाश था, लेकिन उसे पकड़े जाने के बाद उसकी हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो अब 7 सालों के बाद राजस्थान के सबसे बड़े गैंगस्टर रह चुके आनंदपाल सिंह की फाइल दोबारा खुल चुकी है। अब इस मामले में आगे क्या होता है, क्या एक अपराधी को मारने की सजा किसी पुलिस वाले को मिलती है या मामला रफा दफा हो जाता है, जो भी कुछ होगा हम आपको आगे अपडेट करते रहेंगे। और अगर आप आनंदपाल सिंह के जन्म से लेकर एनकाउंटर तक की कहानी को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए कहानी के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।